हेलो नमस्कार प्रणाम जय श्री राम। पुनः स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल यात्रा में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश में स्थित 51 शक्ति पीठों में से एक आस्था का केंद्र मैहर में स्थित मां शारदा जी का। जी हाँ दोस्तों, मां शारदा जी का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल मैहर में त्रिकुट पर्वत की ऊंची पहाड़ियों व मनोरम घाटियों के बीच स्थित है। आज हम इस यात्रा से जुड़ी आपको संपूर्ण जानकारी बताएंगे ताकि आप हमारे इस वीडियो के तहत मैहर की यात्रा को आसान बना सके। साथ ही यह भी जानेंगे कि आप मैहर तक की यात्रा में माता के दर्शन के लिए कैसे पहुँचे, आपके लिए उचित साधन, कुल खर्चा, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, खान पान की सुविधा और भी बहुत कुछ। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए आपका अपना चैनल यात्रा में। दोस्तों, मां शारदा जी का मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। यह मंदिर अपनी प्राचीनता, चमत्कारिक शक्तियों तथा भक्तों के कारण हमेशा से आस्था का केंद्र बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र मंदिर है जहां व्यक्ति को रात में रुकने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 1063 सीढ़ियों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ती है। माता के दरबार को शक्तिपीठ के भी रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे माता का हार गिरा था, जिसके कारण ही यह स्थान मैहर नाम से विख्यात हुआ। मान्यता यह है कि जब देवी सती ने आत्मदाह किया था तो शिव जी माता के मृत शरीर को लेकर ब्रह्मांड का चक्कर काट रहे थे, तभी उनके गले का हार इस त्रिकुट पर्वत की मनोरम घाटियों के बीच गिरा। तो चलिए दोस्तों, मैहर के सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैहर पहुंचने के लिए हमें मुख्य रूप से तीन मार्ग हैं, जिसमें हम पहले बात करते हैं आप बाय एयर आसानी से मैहर तक कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मैहर के लिए प्रमुख शहरों से डायरेक्ट कोई भी फ्लाइट नहीं है, पर हाँ, आप अपनी सुविधा अनुसार खजुराहो एयरपोर्ट तक पहुँच सकते हैं जो मंदिर से 106 किलोमीटर दूरी पर है। खजुराहो एयरपोर्ट से आप बस या टैक्सी लेकर मंदिर प्रांगण तक आसानी से पहुँच सकते हैं। साथ ही अगर आपके नज़दीकी एयरपोर्ट से खजुराहो एयरपोर्ट की फ़्लाइट नहीं मिलती है तो आप जबलपुर एयरपोर्ट तक की फ़्लाइट टिकट करा सकते हैं। जबलपुर एयरपोर्ट की दूरी मंदिर से लगभग 145 किलोमीटर है। यहां से आप स्टेट बस का प्रयोग करके मैहर मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप अपनी सुविधा अनुसार आपके अपने नज़दीकी एयरपोर्ट से आप प्रयागराज एयरपोर्ट तक का भी फ़्लाइट टिकट करा सकते हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से मैहर की दूरी लगभग 222 किलोमीटर है। और यदि आप अपनी यात्रा रेल के थ्रू करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि मैहर रेल मार्ग कई बड़े और प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। आप अपने नज़दीकी शहर से मैहर रेलवे स्टेशन के लिए टिकट करा सकते हैं। मैहर रेलवे स्टेशन से माता का मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप ऑटो या टैक्सी की सहायता से 20 से 30 रुपये किराया देकर मंदिर तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आप अपना सफ़र बाय रोड करना चाहते हैं तो मैहर सभी शहरों से वेल कनेक्टेड है। आपके शहर के अंदर प्रवेश करते ही आपको यहाँ लोकल या गवर्नमेंट बसेस ऑटो की सुविधा आसानी से मिल जाएंगी। और अगर आप अपने पर्सनल साधन से आ रहे हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना यहाँ नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब हम मैहर पहुँच चुके हैं, तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैहर में हम कहाँ स्टे करें। फ्रेंड्स, आपको बता दें मैहर एक छोटा कस्बा होने के कारण बहुत से होटल्स आपको बहुत ही सस्ते दामों में यहाँ मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार इन्हें ले सकते हैं। साथ ही यहाँ शारदा माता के ट्रस्ट निवास भी और धर्मशालाएं भी बनी हुई हैं। यहाँ आप 200 से 250 रुपये में अपनी सुविधा अनुसार रूम्स ले सकते हैं। आपको डोरमेट्री रूम्स की भी सुविधा यहाँ देखने मिल जाएंगी, जो कि आपको 100 से 150 रुपये में यहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आगे हम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। हम आपको यह बता दें कि मंदिर तक पहुंचने के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर तक यात्रा हमें पैदल ही करनी होती है, क्योंकि मंदिर प्रांगण तक किसी भी सवारी या गाड़ी को जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, मंदिर परिसर के सबसे निचले स्तर पर ही आपको प्रसाद खरीदने की सुविधा भी मिल जाएंगी। आप यहीं से माता के लिए भेंट स्वरूप चुनरी इत्यादि अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यहाँ प्रसाद आपको 21 रुपये से 501 रुपये तक मिल जाता है। आप माता के लिए जो भी भेंट लेना चाहते हैं यहीं से ले लें, क्योंकि मंदिर में ऊपर सीढ़ियों पर किसी भी प्रकार की प्रसाद स्टॉल की सुविधा आपको देखने नहीं मिलेगी। अब हम माता जी का जयकारा लगाते हुए सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू करते हैं, तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ शारदे। दोस्तों, आपको बता दूं कि माता चित्रकूट पर्वत की श्रृंखला में 1204 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। इतनी ऊंचाई पर होने के कारण ही आपको 1063 सीढ़ियों की चढ़ाई यहां करनी होती है। यकीन मानिए दोस्तों, आपको सीढ़ियों के चढ़ते समय बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं होगी, इसके विपरीत आपको एक अलग ही उमंग व जोश की अनुभूति होगी। साथ ही आप यहाँ पहाड़ी के आसपास की मनोरम दृश्य तथा हवाओं को भी अनुभव कर सकते हैं।
और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप सीढ़ियाँ चढ़ पाने में असमर्थ है तो आप लोगों के लिए रोपवे की भी सुविधा यहाँ उपलब्ध है। आप सब इस रोपवे के थ्रू आसानी से माता के दर्शन कर सकते हैं, फिर उसी के सहारे वापस भी आ सकते हैं। आपको बता दें, रोपवे में दोनों तरफ के सफर के लिए आपको 100 से 130 रुपए चुकाने पड़ सकते हैं। मैहर के मंदिर परिसर में रोपवे की सुविधा सोमवार से रविवार तक तथा समय इसका सुबह 6:30 से शाम 7 बजे तक का सफर यह निरंतर जारी रहता है। और यदि आप चढ़ाई सीढ़ियों के द्वारा पूरी करते हैं तो इसे पूरी चढ़ाई में आपके सुविधा के लिए जगह जगह विश्राम स्थल तथा बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था पर्याप्त है। दोस्तों, आइए अब हम चर्चा करते हैं मंदिर परिसर में होने वाली आरतियों के समय के बारे में। दोस्तों, यहाँ मंदिर परिसर प्रातः आरती का समय 5 बजे तथा शाम की आरती 8 बजे होती है, तो आप आसानी से इन समयों के अनुसार पहुंचकर माता के दर्शन व आरती को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर धार्मिक स्थल वहां के भक्तों व निवासरत देवी देवताओं के कारण ही जाना जाता है, तो मैहर भी एक ऐसा स्थान है जो माँ शारदा तथा उनके दो भक्तों के कारण पूरे जग में विख्यात है। माँ के दो प्रिय भक्त आल्हा और उदल थे, आपने भी इनका नाम जरूर सुना होगा। मान्यता है कि आल्हा व उदल दो भाई थे जो कि कुश्ती लड़ा करते थे। आल्हा ने 12 साल की कठिन तपस्या के बाद माँ शारदा जी को मनाया था और फिर माँ ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद में अमृतत्व प्रदान किया था, जिसके कारण यह भी कहा जाता है कि वे आज भी जिंदा है। साथ ही मान्यता यह भी है कि माँ की पूजा करने का सबसे पहला हक भी आल्हा और उदल का ही है। वे माँ शारदा को माई कहकर भी पुकारा करते थे। आज भी मंदिर के कपाट को रात 9 बजे बंद कर दिया जाता है तथा सुबह के 5 बजे इस मंदिर के कपाट को खोला जाता है। साथ ही इस समय रात के 9 से सुबह 5 बजे के मंदिर में किसी भी व्यक्ति को, यहाँ तक कि मंदिर के पुजारियों को भी यहाँ रहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि माता की प्रथम पूजा आल्हा व उदल ही करते हैं। इन्हीं के द्वारा ही माता की आरती व श्रृंगार की जाती है और इसके बाद ही बाकी श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पटों को खोला जाता है। कई बार इसके बारे में साक्ष्य भी मिले हैं। मंदिर के पुजारियों द्वारा भी कहा गया है कि कई बार सुबह के 5 बजे मंदिर के पट खोलने पर पुष्प जल अर्पण किए हुए तथा घंटियों की आवाज़ें भी सुनाई देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि मैहर आने के लिए कौन सा सीजन उत्तम होगा। फ्रेंड्स, वैसे तो प्रतिदिन मंदिर में हजारों दर्शनार्थी पहुंचते हैं, पर यदि हम पीक सीजन की बात करें तो चैत्र नवरात्रि व क्वार माह की नवरात्रि में यहां भक्तों का मेला लगता है, साथ ही विशेष पूजा भी की जाती है। यहां देश ही नहीं विदेशों से भी दर्शनार्थी अपनी इच्छाओं को लेकर माता के दरबार में पहुँचते हैं। फ्रेंड्स, माता के दर्शन के लिए आप किसी भी सीजन में आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है और हमेशा यहाँ भक्तों का तांता लगा हुआ होता है। दोस्तों, अब हम आगे जानेंगे कि मैहर में हम क्या खाएं। दोस्तों, हम आपको बता दें, आपको मैहर में किसी भी प्रकार की खाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ स्थानीय भोजन में आप लिट्टी चोखा, शिकंजी, फलाहारी चिवड़ा तथा शुद्ध शाकाहारी थाली भी कम से कम दामों में यहाँ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम मैहर में माता के मंदिर के समीप स्थित अन्य पर्यटन स्थलों की चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, यही माता शारदा के बगल में ही प्रतिस्थापित की गई नरसिंह देव जी की मूर्ति है, जो लगभग 1500 वर्ष पूर्व की है। साथ ही वही मंदिर में आपको काल भैरवी, हनुमान जी, माँ दुर्गा, काली माता, श्री गौरी शंकर जी के दर्शन करने व आशीर्वाद लेने का अवसर आपको यहाँ मिलेगा। जैसे ही मंदिर के नीचे उतरेंगे, पीछे की ओर एक तालाब है जहाँ एक मनोरम दृश्य व्याप्त है। यह तालाब आल्हा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाने पर आपको आल्हा व उदल का अखाड़ा देखने मिलेगा, जहाँ दोनों भाइयों द्वारा कुश्ती लड़ी जाती थी। दोस्तों, यहीं पर पन्नी खो जलप्रपात है, जो कि आल्हा उदल मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर है, जहां आपको पैदल ही जाना होगा, क्योंकि यहां का रास्ता उतना सही नहीं है। यह एक पिकनिक स्पॉट है, आप यहां भी घूमने आ सकते हैं। आल्हा उदल मंदिर। दोस्तों, आल्हा उदल मंदिर भी घूमने की जगह है, जो जंगल के बीच में है। यहाँ एक बड़ा सा तालाब है जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हैं। यहाँ आपको मनोरम प्रकृति का दृश्य देखने मिलेगा, जहाँ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। गोलमढ़ मंदिर। यह एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यह मंदिर पूर्ण रूप से पत्थरों से बना हुआ है। मान्यता है कि इस मंदिर को बनाने में केवल एक रात का ही समय लगा था। यहाँ आकर आपको शांति की अनुभूति होगी। इस मंदिर की बनावट बहुत ही खूबसूरत है। बड़ा अखाड़ा मंदिर। दोस्तों, बड़ा अखाड़ा मंदिर के साथ ही साथ यहाँ एक आश्रम तथा गुरुकुल है। यहाँ पर ब्राह्मणों को संस्कृत में शिक्षा दीक्षा दी जाती है।
इस मंदिर में 108 शिवलिंग है जो कि गर्भगृह के अंदर है तथा छत पर भी एक विशाल का शिवलिंग विराजमान है। यदि आप मैहर आए यहाँ आप घूमने आ सकते हैं। यह देवजी रोड मैहर में स्थित है। बड़ी खेरमाई मंदिर। दोस्तों बड़ी खेरमाई मंदिर जिन्हें शारदा माता की बड़ी बहन के रूप में भी जाना जाता है, अब मान्यता है कि शारदा माता के दर्शन के पश्चात यहाँ आना आवश्यक है। यह मंदिर सतना रोड में है तो आप यहाँ भी दर्शन करने जरूर आ सकते हैं। ओइला मंदिर। ओइला मंदिर माँ दुर्गा को समर्पित है। यहाँ बहुत ही भव्य मूर्ति है तथा गणेश जी की मूर्ति व शिवलिंग भी है। यह मंदिर भी सतना रोड में है। इच्छापूर्ति मंदिर। दोस्तों इच्छापूर्ति मंदिर जो कि खूबसूरत नक्काशी के द्वारा बनाया गया है, साथ ही मंदिर के चारों ओर खूबसूरत बगीचा तथा फव्वारा है। रात के समय तो मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है क्योंकि लाइटों की उच्चतम व्यवस्था है। यहाँ आपको माँ दुर्गा, लक्ष्मी माता, भगवान श्री राम जी तथा हनुमान जी के दर्शन यहाँ आपको हो जाएंगे। यह मंदिर रीवा रोड में स्थित है। इसके अलावा नीलकंठ मंदिर भी है जो मैहर से 15 से 16 किलोमीटर की दूरी पे है। यहाँ जाने माने विख्यात मुनि नीलकंठ जी ने तपस्या की थी। दोस्तों आप मैहर आकर यहाँ से चित्रकूट की यात्रा पर भी जा सकते हैं। मैहर से चित्रकूट की दूरी लगभग 117 किलोमीटर है जो कि एक सुंदर जगह है और हम बहुत जल्द चित्रकूट यात्रा से भी संबंधित जानकारी आपको अपने चैनल पर जरूर उपलब्ध कराएंगे। आइए दोस्तों अब हम कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए माँ शारदा जी के दर्शन कैसे करें इसके बारे में जान लेते हैं। बता दें दोस्तों कि फिलहाल मंदिर परिसर चैत्र नवरात्रि के दिनों में बंद है सरकार के आगामी निर्देशों तक, परंतु कोविड-19 की वजह से थोड़े समय पहले तक मंदिर प्रांगण केवल यहां के पुजारी ही दर्शन और पूजा कर रहे थे। अगर आप मां के दर्शन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट www.maasharadalive.com पर लाइव दर्शन देख सकते हैं। वैसे तो मैहर में चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों को एक उत्सव की तरह मनाया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण इसे पूर्ण रूप से बंद किया गया है। यहाँ पर किसी प्रकार का मेला नहीं लगेगा और इस चैत्र नवरात्रि में दर्शनार्थियों को दर्शन की अनुमति भी नहीं दी गई है। कोरोना के कारण मंदिर में भीड़ भाड़ कम होने से नवरात्रों में भी आपको दर्शन आसानी से हर वर्ष मिल जाते हैं, पर आप मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ जरूर करें। कोरोना के कारण मंदिर परिसर में स्थापित मूर्तियों तथा वस्तुओं को हाथ लगाना वर्जित है, तो आप इन्हें हाथ लगाने से बचें। मंदिर परिसर के आसपास धूम्रपान करने से बचें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि मैहर कितने दिनों के लिए आए और लगने वाले आपके द्वारा कुल खर्चों के बारे में। दोस्तों आपको मैहर के मंदिर और सभी आसपास के स्थलों को घूमने के लिए एक दिन काफ़ी है। मैहर के लिए आप एक दिवसीय यात्रा प्लानिंग कर सकते हैं। साथ ही लगने वाले कुल खर्चे की बात करें तो आपके टिकट और होटल के खर्चे को निकालकर आप आसानी से 500 से 1000 रुपए में माँ शारदा जी के दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों माता का यह शक्तिपीठ भक्तों के लिए धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है जहाँ माता भक्तों के मन की सभी मुरादें पूरी करती हैं। मित्रों अगर आपकी यात्रा को हमारा यह वीडियो सरल बनाता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर अवश्य करें जिनके साथ आप मैहर घूमने जाना चाहते हैं। और हाँ, वीडियो लाइक तथा कमेंट के साथ साथ आप हमारे पिछले वीडियो को भी अवश्य देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हमारी कामना आप सभी की यात्रा मंगलमय हो। जय माँ शारदे।